हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बच्चों का मनपसंद मिनी पिज़्ज़ा बनाने चल रहे हैं। मिनी पिज़्ज़ा बनाने के लिए देखिए, सबसे पहले हम एक कटोरी बड़ी कटोरी से मैदा लिए हैं। हमको कई मिनी पिज़्ज़ा बनाना है, बच्चे खाने में बहुत पसंद करते हैं, मम्मी ढेर सारा बनाओ बोलते हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे बेकिंग सोडा 1 चम्मच, आधा चम्मच लेंगे खाने वाला सोडा यानी मीठा सोडा। अब हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक, और लेंगे आधा चम्मच हम इसमें चीनी मिलाएंगे। ये देखिए, ये सारी चीज़ें मिलाएंगे तो बेस हमारा अच्छे से बनेगा पिज़्ज़ा का। अब हम इसमें मिलाएंगे दही लगभग 4-5 चम्मच। ये देखिए, इसको हम बराबर से पहले मिला लेंगे इस तरीके से। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैदा लगाएंगे। हम इसमें ऑयल भूल गए थे तो अभी मिला लेते हैं। 2-3 चम्मच हम ऑयल भी मिला ले रहे हैं, और अच्छी तरीके से इस मैदा लगा देंगे ताकि पिज़्ज़ा बेस हमारा अच्छी तरीके से बने। ये देखिए, इस तरीके से मैदा हम लगा दिए हैं। अब इसको एक पॉलीथीन लेंगे और ढक के रख देंगे हम लगभग 1-2 घंटे के लिए। ये देखिए, 1-2 घंटा हो गया, हम इसको खोल दिए हैं। अब ये देखिए, मैदा हमारा इस तरीके से एकदम सॉफ्ट हो गया है। ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मुलायम है, मैदा हमारे अच्छी तरीके से सेट हो गया है। अब इसकी छोटी छोटी लोई लिए हैं, पहले हम 2 बना लेते हैं और रख देते हैं, बाद में बनाएंगे। तो इस तरीके से लोई हम देखिए लेके बेल रहे हैं बराबर से। इसको हमको मिनी पिज़्ज़ा बनाना है तो हमने छोटी लोई लिया है। अब इसमें हम कांटे चम्मच से डिज़ाइन कर देंगे ताकि ये बेस हमारा फूले ना और अच्छी तरीके से बने। इस तरीके से हम डिज़ाइन कर दिए हैं। इधर पैन रख दिए हैं, गरम हो रहा है, और गैस हम लो कर दिए हैं, तेज़ नहीं किए हैं। ये देखिए, इस पर हम रख दिए हैं पैन में। अब इसको हम ढक देते हैं 2-3 मिनट के लिए, ये ताकि अच्छी तरीके से हमारा बेस फूल आए और अच्छी तरीके से बने। ये देखिए, इस तरीके से बेस हमारा हो गया है। अब इसको हम पलट दे रहे हैं, एक तरफ सेक गया है। ये दूसरी तरफ भी सीख जाए। ये देखिए, इस तरीके से बेस हमारा सीख गया है। इसको हम निकाल लेते हैं। ये मार्केट जैसे देखिए हमारा बेस बना है, इस तरीके से इतना मोटा और सॉफ्ट बना है। अब इसमें हम पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे, तो इस तरफ हम पिज़्ज़ा सॉस लगा रहे हैं। ये घर का बना हुआ है, मार्केट में भी आप ले सकते हैं, आसान तरीके से मिल जाता है। इसको हम बराबर से लगा दे रहे हैं। अब इसमें हम वेजिटेबल्स रखेंगे, तो इस तरीके से हम वेजिटेबल्स रख रहे हैं बराबर से। शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज बारीक कटा हुआ रख रहे हैं हम। ये देखिए, हमारा वेजिटेबल्स रख दिए हैं, पिज़्ज़ा कितना अच्छा लग रहा है। अब इसके ऊपर से हम एक कद्दूकस करेंगे चीज़। तो हम कद्दूकस कर रहे हैं चीज़ को, ये बराबर से हम कर दे रहे हैं। अब इसको हम पैन में रख दिए हैं, देखिए इस तरीके से। इसमें हम डालेंगे हल्का सा दरदरा कुटा हुआ लाल मिर्च, और ऊपर से लगाएंगे ओरिगैनो, और हम ढक देते हैं 5 मिनट के लिए, हल्का सा और सिक जाए।
ये देखिए लगभग 5 मिनट हो गया है। तो देखिए इस तरीके से हमारा पिज़्ज़ा बना है, मार्केट जैसे मिनी पिज़्ज़ा। इसको हम प्लेट में निकाल ले रहे हैं इस तरीके से। ये देखिए एकदम बच्चों का मनपसंद चटपटा मिनी पिज़्ज़ा बन गया है हमारा। इसी तरीके से अभी हम और बना लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से हम और बना लिए हैं मिनी पिज़्ज़ा। अब आप लोग बताइएगा हमारा तरीका कैसा लगा। अगर हमारा तरीका अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। सभी भाई बहनों को नमस्कार और धन्यवाद।